देखो इसमें क्या है, इसमें देखो क्या राउंड ऑफ करना है। आइए देखो कोई भी नंबर तुम लोग ले लो, जैसे ये है। अब इसको हमें नियरेस्ट 10 में करना है, ठीक है, 10s का करना है। तो इस लास्ट वाले नंबर को हम लोग देखेंगे, ठीक है, सिर्फ इस लास्ट वाले नंबर को देखेंगे। और 10 तक है, तो अगर 5 से कम हुआ, लेस हुआ, तो हम लोग उस नंबर को वैसे ही छोड़ देते हैं, ये वाले नंबर को, उसके बगल वाला जो नंबर है उसको वैसे ही छोड़ देते हैं। और अगर मोर यानी 5 से अगर ज़्यादा हुआ तो हमको 1 प्लस करना पड़ता है, ठीक है, याद रखना। यानी देखो ये 5 से ज़्यादा है, इसका मतलब हमको यहाँ पे 1 प्लस करना होगा, यानी ये हो जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा। इधर वाले नंबर के पास हम नीचे हमेशा 0 ही लिखते हैं, ठीक है, समझ में आया। वैसे ही ये वाला भी होगा, वैसे ये वाला भी होगा। देखिए 274 है, इस 4 लास्ट में है, 4 का मतलब हुआ क्या 5 से कम है, तो इसका मतलब 5 से कम है तो हम कुछ नहीं करेंगे, बस क्या करेंगे, इधर वाला नंबर जैसे लिखा है वैसे ही 7 लिख देंगे, लेकिन यहाँ वाले में क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, ठीक है, समझ में आया। अब वैसे ही नियरेस्ट 100 का मतलब यानी यहाँ पे हम लोग देखेंगे सेकंड नंबर। टेंस में देखना हम लोग फर्स्ट वाला नंबर देखते हैं, लेकिन 100 वाले में हम सेकंड नंबर का देखेंगे। अगर ये 5 से कम हुआ तो हम लोग वैसे ही छोड़ देंगे, और अगर 5 से ज़्यादा हुआ तो हम लोग यहाँ पे 1 प्लस कर देंगे। यहाँ देखो यहाँ 5 से कम है, तो यानी यहाँ पे हो जाएगा क्या, वैसे ही नंबर हम वैसे ही वहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक नंबर कम कर देंगे, यानी यहाँ पे हो जाएगा 3rd, वही नंबर हम छोड़ देते हैं ना, वही नंबर हम छोड़ देंगे। और यहाँ पे 0, तो हमारा वो लास्ट नंबर तो हमारा 0 ही रहेगा, वो 0 ले देंगे। लेकिन याद रखना ये नंबर वैसे ही लिख देंगे, यानी 40 हो जाएगा, 48 का है, 40 हो जाएगा, ठीक। अब ये वाला क्या है, 1000 है, तो देखो इसका था 1s, 10s, 100, यहाँ वाला पे इसका देखेंगे 8 ज़्यादा है, इसका मतलब हमको यहाँ पे प्लस करना होगा, यानी यहाँ 9 हो गया और 0 0 जैसे रहता है, ठीक है, समझ में आ गया।